हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि विमिक्स क्या है और यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विमिक्स क्या है। यह बेसिकली एक तरह का वीडियो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ पीसी में काम करता है, जैसे कि विंडोज़ 10 हो गई, विंडोज़ 11 हो गई। इसका इस्तेमाल हम अपनी वीडियोज़ को लाइव स्ट्रीम करने के लिए, वीडियो एंड ऑडियो को रिकॉर्ड करने, वीडियो में लोगो, टिकर, ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा की जिसे हम कहते हैं, वो आप लाइव इससे काट सकते हैं। इसके अलावा विमिक्स कॉल में आप 8 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम जूम कॉल कह सकते हैं। जूम कॉल में हमारी लिमिटेशन ज़्यादा होती है, बट इसमें हम 8 लोगों को जोड़ सकते हैं, जो विमिक्स का खुद का है और इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा हम अन्य कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जानकारी आपको धीरे धीरे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर बेसिकली 60 दिन के ट्रायल वर्जन पर मिलता है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट vimix.com पर अवेलेबल है। इसे अपने विंडोज़ कंप्यूटर में डालने के लिए सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपके सिस्टम में कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ये सारी जानकारियाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आपकी स्क्रीन पर भी दी हुई है। तो आइए जानते हैं कि विमिक्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करें, इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक्स इनपुट आउटपुट एंड डिस्प्लेज वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम vimix.com जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन शो कर रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर डाउनलोड कर लेंगे हम इसको। ये हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। यस, इंस्टॉलेशन विंडो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम रिक्वायरमेंट। मोस्टली क्या होता है कि .NET 3.5 मिसिंग होता है, तो पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, जो ऑलरेडी इसने ऑप्शन दिया हुआ है। तो जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है। ये आप देखेंगे कि .NET का एरर है, तो ये हमारा .NET इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम क्लोज कर देंगे और दोबारा से उस सेटअप को रन करेंगे। यस, इसको क्रॉस कर देते हैं, ब्राउज़र हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके फिर नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन लोकेशन। इसके अलावा एक कोडेक होता है, उसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। सेम वही प्रोसेस, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब हमें क्या करना है, विमिक्स को रजिस्टर करना है 60 डेज जो हमें ट्रायल वर्जन मिलता है। तो उसके लिए हमें विमिक्स को ओपन करना पड़ेगा। आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट, और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। या तो फाइनली हमारी विंडोज़ ओपन हो गई है। अब हमें किस रेजोल्यूशन पे काम करना है, यानी फुल HD, 4K, 720। तो बेसिकली इसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, वो हम 1080p पे काम करते हैं, 25 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। ओके, तो फाइनली हमारा विमिक्स इंस्टॉल हो चुका है, जिसे हमने 60 दिन के ट्रायल वर्जन पे इंस्टॉल किया है। आप इसकी एक्सपायरी डेट है वो सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। अबाउट ये आपका 6 नवंबर को एक्सपायर होगा। ये फुल वर्जन के साथ है, विदाउट एनी वाटरमार्क, फुल फीचर है इसमें। अब हम इसके कुछ बेसिक इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इसे हम जो कहते हैं वो प्रीव्यू विंडो कहते हैं, इसे फाइनल आउटपुट विंडो कहते हैं। ये हमारे इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स के नंबर हैं, नंबर 1, नंबर 2। इसके अलावा यहाँ पे हर इनपुट की अपनी एक सेटिंग्स होती है, तो क्लिक करके इसको पोजीशन, कलर करेक्शन, मल्टी व्यू, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये जो आपका पैनल दिया हुआ है वो है ऑडियो कंट्रोलर या ऑडियो मिक्सर कह सकते हैं। यहाँ से आप ऑडियो को गेन, कंट्रोल, एक्सपाइजर, जो आप करना चाहते हैं, जो मिक्सर का काम होता है वो आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारे मेन इंटरफेस जो 4 दिख रहे हैं। इसके अलावा हमारा न्यू यानी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, सेम जो हमारा रेजोल्यूशन और ये सारी चीज़ें थी, ये उसके लिए हैं। अगर आपका कोई सेव प्रोजेक्ट है तो उसे ओपन करने के लिए ओपन का बटन है। जो आपका करंट प्रोजेक्ट है उसे सेव करने के लिए
सेम एज, ये सेव एज करने के लिए है कि आपको सेम प्रोजेक्ट किसी और नाम से सेव करना हो। जैसे हम बॉर्ड फाइल में चेंजेस करते हैं एंड देन हम उसकी एक नई कॉपी बना लेते हैं, तो ये उसके लिए सेव एज है। लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो लास्ट इसलिए दिया रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट लास्ट में ओपन रहेगा या इनपुट के तौर पे हमने ऐड किया है उसको, वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। सेम यहाँ पे जो इंटरफेस आता है अगला पॉज इनपुट का, इसमें जो भी आपके इनपुट्स होंगे अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो वो जो प्ले हो रखा होगा वो पॉज हो जाएगा। ये बेसिक फीचर्स के साथ है। अभी जो आप पैनल देख रहे हैं ये एडवांस के साथ है। जब हम बेसिक्स के साथ आएंगे तो बेसिक में सिर्फ आपको एक ऐड इनपुट का पैनल दिया जाएगा। एडवांस के लिए आपको एडवांस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन यहाँ पे रिकॉर्ड, एक्सटर्नल, मल्टीकोडर, प्लेलिस्ट, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी वीमिक्स की सेटिंग होती है वो हमारे इस बटन से होती है, जिसमें आप एक्सटर्नल, आउटपुट, सारी चीज़ें जो मेन कंट्रोल होता है उसकी है सेटिंग से यहाँ पे हम उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हर इनपुट की अपनी खुद की सेटिंग है जो वो अलग सेटिंग है। रिकॉर्ड की सेम, रिकॉर्ड की सेटिंग अपनी है। सेम आते हैं कि अगला बटन जो हमारा ऐड इनपुट का दिया हुआ है, इसमें आप कैसे फाइलों को ऐड कर सकते हैं, कैमरे का इनपुट कैसे लेते हैं, डेस्कटॉप कैप्चर हो गया, इमेजेस, फोटोज़, कलर, सोर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। इसके अलावा जो बटन है हमारा वो रिकॉर्ड का बटन है कि आप किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसमें 5 से 6 फॉर्मेट दिए हुए हैं। जनरली हम लोग MP4 रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी आप कम भी कर सकते हैं रिकॉर्ड करते समय और बढ़ा भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी फुटेज यानी जो आपने इनपुट लिया है वो किस फ्रेम क्वालिटी पे आ रहा है। सेम ऐसे एक्सटर्नल आउटपुट एज अ मॉनिटर के तौर पे, मल्टी व्यू के तौर पे आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अगले पैनल में आते हैं तो हमारा स्ट्रीम का बटन है। स्ट्रीम में आप एक साथ 3 जगह स्ट्रीम कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे क्वालिटी सेट कर सकते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कस्टम जो भी ये आपका कस्टम RTMP है। और इसके अलावा खुद के भी इसके काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं जो डायरेक्टली आप लॉगिन करके यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो रहेगी, आप उसमें जान सकते हैं कि इससे हम लाइव कैसे कर सकते हैं। सेम इसके आगे आता है मल्टी कोडर। तो यहाँ पे हर इनपुट को अलग से रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड लास्ट हमारा प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बल्क फाइल यानी अगर आपके पास 20 फाइल 50 फाइल है तो आपको एज अ प्लेलिस्ट के तौर पे अलग अलग फाइलों को हम एक ही बार लाइव कैसे कर सकते हैं कंटिन्यू लूप में चला के, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा आता है हमारा ओवरले। ओवरले में ट्रांजेक्शन हो गए, फुल स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि जो इसमें जो कीज़ दी हुई हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस मॉनिटर कह सकते हैं, इसमें हर इनपुट का कितने फ्रेम में आ रहा है, ड्रॉप रेशो क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल पाएंगी। एंड देन इसके आगे जब हम आते हैं ये हमारे शॉर्टकट्स हैं, जो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे या सेट करेंगे वो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें शो करेगा। वो हमारे वेब कंट्रोलर में भी शो करेगा जो हम अपने फ़ोन से आईपैड से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये स्नैपशॉट का है। जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा उसका आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, वो डायरेक्टली आप एक सिंगल बटन क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और फाइनली ये जो लास्ट बटन है हमारा, ये एक लॉक बटन है कि जैसे आपने स्ट्रीम पे लगा दिया इसको बार बार कोई छेड़े ना, जो आउटपुट सेटिंग है वो हमारी फिक्स रहे। ये उस एक बार हमने सेट कर दिया एंड देन इसको लॉक कर दिया। तो ये इसका बेसिक इंटरफेस है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे इसमें इनपुट ऐड कर सकते हैं, कैमरा ऐड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KGS Tech Support को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।